राधे राधे एवरीवन आज मैं आपके साथ पुत्रदा एकादशी एक की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ वर्ष में दो पुत्रदा एकादशी एक आती हैं, एक सावन के महीने में एक पौष के महीने में पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी एक को पुत्रदा एकादशी एक कहते हैं पुत्रद एकादशी जो संतान सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी गई है और अगर सही तरीके से पूरे विधि विधान से इसके नियमों का पालन करते हुए व्रत पूजन किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है संतान चाहने वाले दंपतियों को मिल करके ये व्रत पूजन करना चाहिए इसके अलावा भी कोई अन्य भी इसका व्रत पूजन कर सकता है जो भी नियमित रूप से एकादशियों का व्रत करते आ रहे हैं एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध होकर के आप इस पूजन को करें और शाम को भी आप चौकी पर दिया जरूर जलाएं आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं अलग से चौकी भी लगा सकते हैं तो एक चौकी के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाएं थोड़े से तिल के ऊपर आसन दे करके हम ऐसे भगवान श्री विष्णु माता महालक्ष्मी की हम एक साथ की जो फोटो या प्रतिमा हो वो रखेंगे अलग अलग हों तो उन्हें भी आप विराजमान कर लें दोनों को हमें विराजमान करना है फूलों का आसन दे करके हम एक कलश की स्थापना करेंगे देखिए कलश स्थापना करना कंपलसरी नहीं है लेकिन यदि आप संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत पूजन को कर रहे हैं तब आपको कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए आप चाहे तो तिल से यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं एकादशी के पूजन में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना होता है तो कलश आप मिट्टी का या तांबे का या पीतल का ले सकते हैं कलश के अंदर गंगा जल, जल डालें थोड़ा सा हल्दी कुमकुम -कुम, अक्षत पुष्प आदि डाल करके और ऐसे पंचपल्लव आम के अशोक के पत्ते लगा करके आप ऐसे कलश की स्थापना कर लें कलश आप चाहे तो दीप कलश भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से पानी वाला नारियल हमें लेना है उसको भी आप कलश के ऊपर रख सकते हैं कोई भी वस्त्र या कला लपेट करके गणेश जी की भी हम स्थापना कर लेंगे पुत्रदा एकादशी में भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की सेवा पूजा जरूर करें यानी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करें अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का विक्रय नहीं है तो आप ला सकते हैं उन्हें अच्छे से स्नान आदि करा के पंचामृत से पूजा में ऐसे श्रृंगार करके विराजमान कर दें पुत्रदा एकादशी में गाय की पूजा सेवा करने का भी बहुत महत्व माना गया है इसके बाद में एक धूप दीप की हम यहाँ पर स्थापना कर लेंगे आज के दिन गाय के दूध दही मक्खन या घी या कम से कम गोबर ही इनमें से जो भी चीज़ मिल जाए उसका प्रयोग पूजा में हमें ज़रूर करना चाहिए अब ज़्यादातर हिंदू घरों में देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी का विग्रह नहीं है तो आप संतान सुख की यदि प्राप्ति करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते समय आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी को घर अवश्य लेकर के आएँ और उनकी सेवा आप प्रारंभ करें इससे निश्चित ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी और गाय की भी सेवा करनी है तो देखिए जल का छींटा दे करके हमने स्नान का भाव करा दिया उसके बाद में सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे देखिए अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की कामना से यानी कि संतान की कामना से धारण करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी का एक विग्रह और गौ माता जिसमें कि उनका बछड़ा भी उनके साथ में हो उसे लेकर के आए और अपने पूजा घर में स्थापित करके उनकी पूजा करें जो भी दंपत्ति संतान सुख के लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए सभी को रूपी कलाव अर्पित करने के बाद में यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे लड्डू गोपाल जी को हमने उनकी बांसुरी यहाँ पर उन्हें सौंप दी है और लक्ष्मी मैया को और गणेश जी को हम यहाँ पर सिंदूर भी अर्पित करेंगे तो यहाँ पर ये यह ध्यान रखने वाली बात है कि लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान का हमें साथ साथ पूजन करना है और अगर अलग अलग मूर्ति तस्वीरें उन्हें भी आप रख सकते हैं संयुक्त भी रख सकते हैं और संतान सुख चाहते हैं तो पति पत्नी को ये मिल कर के व्रत पूजन करना चाहिए और वैसे आप व्रत कर रहे हैं तो सिंपली भी आप कर सकते हैं अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करें स्वयं को भी हम टीका लगा लेंगे उसके बाद में तिल अर्पित करेंगे एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है तिल का प्रयोग किया जाता है दीपक में भी हम थोड़े से तिल यहाँ पर डाल देंगे ताकि तिल चटकें ताकि हमारे जो संकट हैं वो तिल तिल करके समाप्त हो जाए आप यहाँ पर गुड़ और तिल और देसी घी से हवन भी कर सकते हैं उसके बाद में सभी को हम फूल यहाँ पर अर्पित कर देंगे गणेश भगवान को हो सके तो लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें लक्ष्मी मैया को गुलाब का पुष्प अर्पित करें या कमल का विष्णु भगवान को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें सभी को हम ऐसे फूल चढ़ा देंगे और जनेब भी आप विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करें गणेश जी को हम यहाँ पर दुर्वापित कर देंगे गौ माता को भी आप घास के स्वरूप में दूरवारपित करें सके तो आज के दिन गौ माता को आप चारा खिलाएं जो भी ऐसी घूमती रहती हैं गायें उनको आप चारा जरूर खिलाएं और अपने दिन की पहली रोटी जो भी घर की पहली रोटी है वो आप गौ माता को अवश्य रूप से दें आप आज से ही ये नियम बना लें तो यहाँ पर गणेश जी को हमने अलग से भोग अर्पित किया है क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल हम नहीं डालेंगे विष्णु भगवान को हम ऐसे तुलसी अर्पित कर देंगे उसके बाद में जो भी भोग नैवेद्य हम लगाएंगे उस पर तुलसी अवश्य रूप से रखेंगे एकादशी का जो व्रत होता है वो फलाहारी व्रत होता है तो उसमें भोग प्रसाद भी हमें फलारी लगाना चाहिए आप मेवा मिठाई कोई भी फलारी भोग यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं ऋतु फल भी आप अर्पित कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी दल अर्पित कर देंगे उसके बाद में जैसे हम भोजन करते समय जल ग्रहण करते हैं वैसे ही एक जल में लोटा भर करके तुलसी दल डाल करके हम जल भी अर्पित कर देंगे उसके बाद में एकादशी व्रत कथा की जो पुस्तक है महात्म्य की जो पुस्तक है उसका हम पूजन करने के बाद में हाथ में कुछ तिल लेकर के पुतद एकादशी की कथा को इस प्रकार से या तो पढ़ लेंगे या किसी के द्वारा हम सुन लेंगे कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए कथा सुनने के बाद में जो हाथ में हम तिल लेते हैं उनको आप थोड़े से हम तो हम यहाँ पे दीपक में पूजा में डाल देंगे और थोड़े से हम जल के लोटे में डाल करके इसके बाद में हम आरती करेंगे आरती आप चाहें तो देखिए उसी दीपक से कर लें अलग से आप कपूर से या अन्य दीपक से भी आप पूजा कर सकते हैं उसके बाद में हो सके तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा आप ज़रूर अर्पित करें इससे पूजा में रही कमियाँ दूर हो जाती हैं प्रार्थना करेंगे क्षमा याचना

जिसमें श्री रामचंद्र जी भी थे तो इस प्रकार से हमें पुत्रदाय एकादशी में भगवान के बाल स्वरूप का पूजन करना है और गौ माता की सेवा अवश्य करनी है वर्ष 2024 में 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा पारण का शुभ समय 22 जनवरी 2024 सुबह सवा सात से लेकर के नौ बीस के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा वीडियो थोड़ा भी इसका लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें